Assalamualaikum guys, I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। I hope आप सब लोग का रमजान अच्छा गुजर रहा होगा। Guys, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू डिश जो कि बहुत ही यमी है और बहुत मजे का बनेगा। So let's go guys। So हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 कप मिल्क। इट्स ऑलमोस्ट 100 ml, ठीक है। सबसे पहले हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैदा डाल चुकी हूँ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट और अब इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब स्लोली स्लोली हम इसमें दूध डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग से दूध ज्यादा हो गए तो डजंट मैटर, आप इसमें थोड़ा सा और भी मैदा ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आटा इस तरीके से गूंद चुका है। 5 मिनट हम इसको और गूंदने देंगे। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. अब हम लेंगे कोई भी साफ सी कंघी और एक साइड पे रख के इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से प्रेस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी इस तरीके से डिजाइनिंग बन जाएगी। अब इन सबको एक दूसरे पे रखेंगे। याद रखिए इसमें जो मिड वाला पोर्शन है वो आप लोगों ने रखना है और जो डिजाइनिंग वाली पोर्शन है वो साइड पे रखेंगे। अब इसको इस तरीके से रोल करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से रोज फ्लावर बन जाएगा। अब हम इसको मिड में कट करेंगे।
अब इन सबको हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और अब इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इनको शीरे में डिप करेंगे। याद रखिएगा शीरा आपका गर्म ही होना चाहिए। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी और वीडियो मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।